क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सबसे पहले देखेंगे इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि पहला जो रो है इसमें तो नंबर है, लेकिन सेकेंड रो में देखेंगे ये दोनों 0 0 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर यहाँ से हम अगर इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हम लोग को जल्दी आंसर इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं मॉड ए, तो अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस माइनस अल्टरनेट का चेंज जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये -1 -5 -2 और ये हम लोग को 0 प्लस सेकेंड लेंगे 0 हो गया। जब इसको लेंगे तो ये और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 -2 0। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ पे देखेंगे ये -1 है तो क्या हो जाएगा -1। जब इसको लेंगे तो ऐसा नहीं दिखना 3 3 3 3 -1 और -5 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ये तो 0 जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे माइनस कितना आएगा हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू ए माइनस, तो 5 2 10, इसको ये ब्रैकेट में दे देते हैं प्लस, यहाँ पर ए आ गया 0 लिख लेंगे, ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये भी 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -12, तो इसका आंसर हो जाएगा -12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है 3 1 2 और -4 1 3 5 -2 1, इसमें भी सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो से ही इसको एक्सपेंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में यहाँ पे देखेंगे फिर इसका निकालेंगे मॉड, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो में तो यहाँ पे +3, तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 -2 1। अब यहाँ माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 -2 1। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा, +5 लिख लिए 1 2 1 3 1 2 1 3। अब यहाँ पे ये 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस 3 2 जाए यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 लिख लिए, इसको 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, फिर यहाँ पे प्लस 3 1 3 और 2 1 ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 7 7 3 21, यहाँ 5 5 4 20 और यहाँ पे ये 1 5 1 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 था, ये 2 था। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन है वे है ए 0 -1 -2 1 0 3 2 3 0। यहाँ पर भी देखेंगे फर्स्ट रो से ही एक्सप्लेट करने पे ये तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो मॉड इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंगे इसे अगर ले लेते हैं 0, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 3 -3 0। फिर यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा हम लोग का -1 -1 लेंगे, ये -1 -2, इसमें आएगा -3 0। अब इसको लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2 +2 लेने के बाद यहाँ पे -1 -2 0 3। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ -1 है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3 2 जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे +2 लिख लेंगे -3 0, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 0।
यहाँ पे ज़ीरो, इसको सॉल्व करेंगे माइनस छः, इसको से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, सिक्स वन जो सिक्स, थ्री टू जो सिक्स माइनस सिक्स, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसी का देखेंगे, फोर, ये टू है, ज़ीरो है, थ्री है, माइनस वन है, टू है, माइनस फाइव है, माइनस टू है, माइनस वन है, ज़ीरो है। यहाँ पे भी एक्सपेक्ट अगर हम सेकेंड रो से करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट इसमें हो सकता है, चाहे कॉलम से करते हैं फर्स्ट ही, तो हम देखते हैं अगर कॉलम से करके, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे ये टू होगा, तो अब ये टू होगा तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे टू माइनस फाइव माइनस वन ज़ीरो, फिर यहाँ पे माइनस ज़ीरो, इसको लेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो माइनस वन माइनस फाइव माइनस टू ज़ीरो, फिर यहाँ पे प्लस थ्री, इसको लेंगे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन टू टू वन। अब यहाँ पे देखेंगे टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, और माइनस यहाँ पे फाइव, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ये टर्म, फिर यहाँ पे थ्री माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर, ये तो यहाँ पे फाइव टू ज़ा टेन, और फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव, फाइव थ्री ज़ा कितना आएगा फिफ्टीन, अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा फाइव। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव का चार क्वेश्चन था, चार इसमें सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सिक्स सेवन।